लोग टूरिस्ट रेस्ट हाउस मुंशियारी में स्टे कर रहे हैं यहाँ पे आके। और जो मुंशियारी की सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है ये व्यू। स्नो कैप्ड हिमालयन माउंटेन्स, ये साथ में कुमाऊं विकास मंडल का टूरिस्ट रेस्ट हाउस है। देवदार के पेड़ हैं बड़े बड़े और एक छोटा सा गार्डन फ्लावर्स। नीचे अभी शहर की तरफ जाएंगे हम। चलें मुंशियारी की वॉक छोटी सी करते हैं। इस तरह के छोटे छोटे टाउन्स की खूबसूरती इनके व्यू और इनमें जो शांति मिलती है इंसान को, उसी से इसकी खूबसूरती होती है। चलो आप पहले, हाँ बच्चों के साथ थोड़ा। इससे बच्चा पढ़ाई करने लगता है। देखिए वो चोटी पे बिल्कुल वाइट वाइट जैसा दिख रहा है वो पड़े। क्या ऑर्डर दे दे क्या 7 बजे तो टैक्सी स्टैंड है ये। न्यायालय तहसीलदार मजिस्ट्रेट तहसील मुंशियारी पिथौरागढ़। छोटा सा टाउन है छोटी आबादी के साथ। मार्केट का शॉर्टकट है यहाँ। देखो पहले विकास खंड मुंशियारी। दीवार पे बहुत ही खूबसूरत कुमाऊनी लाइफस्टाइल की पेंटिंग्स हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में। दुकानें छोटी छोटी, पुराना आर्किटेक्चर। खूबसूरत पहाड़ी आर्किटेक्चर। शाम होने जा रही है और शाम होते ही पहाड़ के
टाउन्स में लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं, मार्केट से नीचे घूम के फिर से होटल की ओर जाते हुए हम लोग, शाम ढल रही है। एक जनरल स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर, सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, मिलती हैं। सुदूर प्रांत अब सुदूर प्रांत नहीं रहे, सारी चीज़ें हैं यहाँ। सब्जी भी है साथ में, ये क्या सब काला भट्ट 80 और राजमा, पानी की बॉटल्स लेके, वाटर बॉटल्स लेके, थोड़ा बहुत टॉफी वगैरह लेके आगे बढ़ते हुए हम लोग होटल पहुंचेंगे। एक रेस्टोरों है हिमालयन बिस्त्रो। अरे दादू मोमो मिल जाएंगे क्या? सुबेरे मिल जाएगा। अच्छा आइडिया है, बहुत ही खूबसूरत थीम रेस्टोरेंट बनाया है अपने लोकल इंटीरियर के साथ। घोर कलयुग है, वाह। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत तो कभी खत्म नहीं होगी। गुड, थैंक यू। मोमोज तो मिले नहीं हमें, सुबह मिलेंगे, सुबह खाएंगे। बड़ा अच्छा बनाया है आपने। ये TRC का रिसेप्शन है, एक छोटा सा आउटलेट है सेल के लिए, आइटम्स हैं यहाँ पे लोकल प्रोड्यूस के। टूरिस्ट रेस्ट हाउस TRH कहना चाहिए, टॉयलेट है इसमें, रूम्स हैं। ऑनी चेजु, ये इसकी टॉयलेट होती है, ठीक ठाक जगह होती है रुकने के लिए। ये बहुत इंटीरियर टाउन्स हैं, जैसे जो सुदूर जगहें हैं मुसियारी जैसी, वहाँ पे रुकने के लिए अच्छे स्टे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट की सब होता है, खाने वगैरह की फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी। ये डिनर हॉल है, डाइनिंग हॉल, वेट कर रहे हैं डाइनिंग हॉल में। ये भांग चिकन है, भंगीरा मिला के कुछ बनाया जाता है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है हमारा मुनस्यारी में, और ये कुछ नज़ारा है, ये नज़ारा है हमारे रूम से सुबह सुबह पंचचुली का। और सुबह क्योंकि बादल थे थोड़ा सा, तो अब थोड़े थोड़े बादल हटना शुरू हुए हैं, तो अब थोड़ा सा क्लियर है। और ये सुबह है एक मुनस्यारी तहसील की, जो कि एक छोटा सा टाउन है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, जहां कल हम लोग पहुंचे हैं और आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस टाउन को। तो देखते हैं और क्या क्या हम लोगों के यहां पे इस शहर ने छुपा रखा है, ब्यूटीफुल। तो अब हम लोग जो कल रात में हिमालयन बिस्त्रो करके एक कैफ़े देखा था, उसकी तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे बच्चों ने, और उसको एक्सप्लोर करते हैं।
चलिए मिलते हैं फिर हिमालयन बिस्तरों में, बाय। सुबह सुबह मुंशियारी में ये आ गया ठहरा हमारा कैफे हिमालयन बिस्त्रो। हाँ मंगस मिल, पहले तुम कस्टम चार्ट कर सकते, कुछ भी लिख सकते हो चार्ट तुम्हारे वापस टीआरसी में आते हुए अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे मुंशियारी को। थैंक्स फॉर विजिट। सरस बाजार मुंशियारी हम लोग एक छोटी सी विजिट पे आए हैं, देखते हैं यहाँ का क्या लोकल प्रोड्यूस या हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं। मोनालिसा बाय लियोनार्डो। ये ट्रेडिशनल वीविंग है यहाँ की, आसन कहते हैं इसको, इस पर बैठते हैं, एक तरह की कालीन है ये। हाथ से बुनते हैं इसको आप लोग? ऐसे हाथ से बुनते हैं, ये वो तो खाली मशीन में बुनते हैं। ये वुलन है? क्या प्राइस है इसका? 800। सुंदर बनाया आपने जी। जी 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 जी। भेड़ का ऊन है इसमें? अच्छा, चलिए थैंक यू। रेड कलर का पहाड़ी राइस है, मैम इसे क्या कहते हैं? लाल चावल। अरे गात है। क्या? लाल धान। खीर बनता है। थैंक यू। लोग करानी क्योड़ा, ढूंढ तुम्हारा कमर नहीं लाओ हेली कमर
बाली उमर में मैं लगी रुदार सुआ काजल लगा ले न लगो नजर सुआ काजल लगा ले न लगो नजर समूह के पहाड़ी टोपी अक्षय भैया की मैं भी लगा के देखता हूँ। सचिन दाजू दो मफलर्स मुंसियारी पब्लिक स्कूल फील्ड है बहुत बड़ी फुटबॉल की। अब हम लोग म्यूजियम देखने जा रहे हैं यहाँ का मुंसियारी में। ये जितने भी पतले पतले जो दिख रहे हैं ये बांस के पेड़ जैसे, ये रिंगाल है जो कि हिमालयन बैम्बू कहलाता है, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे होता है। इसी के छोटे छोटे आइटम्स बनते हैं, रिंगाल का पेड़ है ये। ये मुंसियारी में म्यूज़ियम है यहाँ का, जहाँ थोड़ा सा हम लोग विज़िट करेंगे। चलते हैं, खूबसूरत लेवेंडर के फ्लावर्स, ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम। खूबसूरत ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के साथ वुडन कार्विंग्स का डोर है, इसका कार्विंग अच्छी तरह करी गई है। साथ में ये एक विंडो है। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे मुंसियारी के, जितने भी यहाँ पे इनका ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं। और ये एक प्राइवेट म्यूज़ियम है जो कि श्री शेर सिंह पांती, जो कि यहाँ पे मुझे बताया गया कि इंटर कॉलेज में हिस्ट्री के प्राध्यापक थे, उनका अपना खुद का निजी कलेक्शन है ये, और बहुत ही अच्छी तरह से संजोया गया है।
भाई म्यूजियम से निकल के अब हम लोग मुनस्यारी से पिथौरागढ़ की ओर रवाना होंगे। अच्छा टूर रहा, बहुत ही खूबसूरत जगह है मुनस्यारी। म्यूजियम से निकलते ही एक किसानों का समूह जो वहाँ पे काम करता है उसमें हम लोग गए। ये राजमा की वैरायटी है, ये जो है दो पीसने पक जाता है, है ना, इसकी गारंटी है दो पीसने पकता है राजमा, है ना। और इसका अभी एक ही पैकेट बचा हुआ, ये है भट्ट सोयाबीन, ये लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लीवर स्ट्रॉन्ग होता है एंड जॉन्डिस की शिकायत को दूर करता है, पीलिया वगैरह। एंड दिस वन इज रेड राइस, इसका रेड वाला लेयर हटाया गया है, खीर के लिए स्पेशली तैयार किया गया है ना, खीर के लिए। और ये है आपका ब्राउन राइस, खज्जी धान बोलते हैं जिसको। ये क्या है? ये गांठ वाली हल्दी सर। ये हल्दी, हल्दी क्या साहब थी? ये गांठ वाली हल्दी है, ये कॉमन हल्दी नहीं है। इस हल्दी को तैयार करने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। ये हल्दी स्पेशल हल्दी है। कितने की है? ये 250 रुपये का बैठा है। इसमें चाय पत्ती कहाँ है? बस इसी को कॉल करो। इसको और इसको लेमन ग्रास को क्रश करके आपको एक बॉटल में रखना है, ठीक है। जब भी आप चाय बनाओगे आधा स्पून चाय में ऐड करना। ये आपको हार्ट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद, हार्ट एंड हीमोग्लोबिन के लिए एंड कोलेस्ट्रॉल को बर्न करता है। ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को दूर करता है, हाई फीवर को सही करता है, अंदर जो बॉडी में ज्वर होता है ज्वर उसको सही करता है। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है ना। ये लेमन ग्रास है बटर टी, है ना, सुनेर इसको बोलते हैं, इसके बारे में आपने म्यूजियम में सुना होगा, बटर टी, है ना। ये कैंसर की शिकायत को दूर, ब्लड में कैंसर की शिकायत को दूर करता है, प्लस डायबिटीज पेशेंट को स्पेशली ये चाय जो है प्रेफर किया जाता है। नमकीन चाय आप लोग उत्तराखंड की लग रहा है मुझे जी। ये तैमूर है, ये तैमूर है, तैमूर है, ये बटर टी है, बटर टी थुनेर, थुनेर 100 रुपये का। पानी बॉयल करना है और चौथाई स्पून आपको ऐड कर डालना है उसमें, और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा दूध डाल के इसको बॉयल करना। बॉयल करने के बाद लास्ट में बटर या घी डाल के आपको इसको सेक करना होता है। यदि लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं तो हम वो दुमका होता है ना उस पर सेक करते हैं। ये जीरा 3200 मीटर की हाइट पे मिलता है। 3200 मीटर। ये सुपारी है? नहीं नहीं, दिस इज हरल, ये हरल है। ये आपके यदि थ्रोट इन्फेक्शन होता है, गले में खिचखिच होता है ना, इसको घिस के घिस के खिलाना है। जिसके यदि आप शहद के साथ घिस के आप चाट लो तो ये भी अच्छा होगा। ये हमारी हल्दी हो गई, इसको क्या कहते हैं बॉस? चावल। ये पहाड़ी लून है, पहाड़ी लून। चलिए थैंक यू, ठीक, थैंक यू, नमस्कार। इसी के साथ हम लोग मुनस्यारी से पिथौरागढ़ वापसी करते हुए, बहुत ही अच्छा टूर रहा, और फिर कहीं मिलते हैं यूं ही चहलकदमी करते हुए। सी यू देन, बाय बाय।